रायसेन से शरद शर्मा की रिपोर्ट। मतगणना ड्यूटी के दौरान कृषि उपसंचालक की अटैक से मौत। रायसेन में विदिशा लोकसभा की मतगणना के दौरान कृषि उपसंचालक की अटैक से मौत। परिजनों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। मतगणना में ड्यूटी कर रहे उपसंचालक का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 56 वर्षीय हरपाल सिंह ठाकुर की मौत। रायसेन में कृषि विभाग अधिकारी उपसंचालक की पोस्ट पर थे, पहले से शुगर के मरीज थे। आज सुबह लगभग 5 बजे मौत हुई। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। उनको 6 बजे से बोलना था कि सेंटर पर पहुंचना, उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी जी। उन्होंने शासन से छुट्टी भी मांगी गई पर कोई फायदा नहीं हुआ। शासन ने छुट्टी नहीं दी उनको। अब उनके ऑफिस में रुके थे रात में, नाइट में उनकी हालत खराब हुई, इससे उनकी डेथ हो गई। हो ही नहीं पाया, मृत अवस्था में तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हाँ, लेकिन इनको परिजन हिस्ट्री बता रहे हैं डायबिटिक के केस था, और हो सकता है रात को खांसी वगैरह भी हो रही थी इनको। उसके बाद अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता पड़ेगा क्या मौत अटैक से हुई, संभवतः यही हो सकता है। रायसेन से शरद शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा की जीत। विदिशा रायसेन संसदीय सीट पर आज मतगणना के बाद आए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शैलेन पटेल पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और लगभग 5 लाख वोटों से हराया। रमाकांत भार्गव ने पहले राउंड से ही जो बढ़त बनाई, आखिरी तक वह कायम रही। रायसेन कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा ने रमाकांत भार्गव को जीत का प्रमाण पत्र दिया। रमाकांत भार्गव ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि आम जनता, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। रमाकांत भार्गव ने अपनी जीत का श्रेय आम जनता, मोदी जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट बहुमत है, और NDA के घटक सहित हम 350 से अधिक सीटों पर जीत रहे हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र, विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार से मैं भारी बहुमत से यहां से जीता हूं। हमारे सभी विदिशा से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा का विजय जुलूस। रायसेन विदिशा सीट से जीते रमाकांत भार्गव का निकला विजय जुलूस। रायसेन संसदीय क्षेत्र के चुनावी परिणाम में एक बार फिर कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मतगणना के दौरान एक भी राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेन पटेल अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए। लगातार हर राउंड में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में संसदीय विदिशा क्षेत्र के नतीजे सामने आने के बाद विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने 5,03,084 मतों से जीत हासिल करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जीत कर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रमाकांत भार्गव ने कहा है कि पूरे देश में मोदी जी की लहर है और विदिशा संसदीय क्षेत्र में जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। रायसेन कलेक्टर एस प्रिया ने रमाकांत भार्गव को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर तेजपाल सिलवानी, विधायक पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, युवा नेता मुदित सैजवार, बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी। नगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर का हुआ असर। जैसी नगर में भोपाल से जैसी नगर निर्माणाधीन सड़क के ठेकेदार द्वारा मजदूरों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया था, जिससे मजदूरों को खाने के लाले पड़ गए थे। जिससे मजबूर होकर मजदूरों ने जैसी नगर तहसीलदार, थाना प्रभारी को मजदूरों के पैसे दिलाने के लिए 10 मई को एक ज्ञापन दिया था और उसकी खबर बाहुबली न्यूज पर उठाई गई थी। उस खबर के असर से जैसी नगर थाना प्रभारी DSP पीयूष मिश्रा द्वारा क्या हुआ पेमेंट सर? हम लोग को थाना में आवेदन दिए थे, DSP पीयूष मिश्रा साहब ने पूरा सहयोग किया, उन्हीं के द्वारा हम लोग को पैसा मिला है। अच्छा, अब आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब कोई ठेकेदार रोहित शर्मा थे, उनका करीब 15 लाख के करीब बकाया था। जो हमने उनसे बात किया, उनने हरियाणा में उपस्थिति होना बताया, हमने उनको 3 दिन का समय दिया था। 3 दिन बाद वो आए, उनने मजदूरों की मजदूरी कंफर्म की और उनकी तरफ से फिर कंपनी के जो यहाँ पर स्थानीय कर्मचारी थे उनने भुगतान किया है और आज मजदूरों का सबका भुगतान हो गया। पूरा मामले ओम कालेश्वर से हमारे संवाददाता दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी ओम कालेश्वर में गूंजे मोदी मोदी के नारे। ओम कालेश्वर में आज सुबह से ही लोगों में चुनाव परिणाम जानने के लिए काफ़ी उत्साह देखा गया। जगह जगह TV के सामने दिन भर भीड़ लगी रही। हर पल की खबर पर लोग आपस में एक दूसरे से बतियाते रहे। सुबह से ही लोगों ने मोदी सरकार के आने के कयास लगा लिए थे।
कुछ कांग्रेसियों के यह बात हजम नहीं हो रही थी, वह अपनी पार्टी की सरकार बनने की बात कर रहे थे। खासकर खंडवा क्षेत्र में अरुण यादव की जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया कांग्रेसी की उम्मीद भी धूमिल होती चली गई। शाम होते होते देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। मतगणना से पहले भाजपा नेता पर गोली चली, सभापति पर हमला, जान से मारने की नाकाम कोशिश, फायर का निशाने पर लेने की साजिश, के पीछे कौन है, जांच में जुटी पुलिस। कईयों से अंसार अहमद की थी दुश्मनी, पवार राज घराने के कट्टर समर्थक हैं। भाजपा नेता हमले की खबर लगी तो समर्थकों की भीड़ जुटती गई, घटनास्थल पर पहुंचे नगर निगम सभापति अंसार अहमद पर बाइक सवार पर अज्ञात हमलावरों ने उस समय नाकाम हमला कर दिया जब मस्जिद से तरावी पढ़ रहे थे और राधागंज अपने निवास के लिए जा रहे थे। बाइक सवार पर दो हमलावरों ने, जिन्होंने केसरिया रंग के पंछे पहने हुए थे और चेहरा ढका हुआ था, वैसे ही अंसार अहमद पर व्यवसायी प्रतिस्पर्धा में कई कारण विवादों में नाता रहा है और विवाद के काफ़ी लंबे समय से चलते हुए उस समय विराम लग गया था। नगर निगम सभापति बनने के बाद से जरूर अंसार अहमद कईयों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, किसी को कांटा बनकर चुभे हैं। आचार संहिता के दौरान कोई व्यक्ति केसरिया कलर का पंछा बने हुए थे और सिर में लगाई थी और जैसे गेट खोला उन्होंने मेरे पे हमला किया। क्या गोली चलाई, फायर था? जी जी, फायर किया। कितने लोग थे वो? दो लोग। किधर भागे फिर वो? वो इधर राजगंज किधर गए, कहाँ से आ रहे थे? ये जानकारी मिली कि वहाँ गोली चली, तो आकर के हमने अंसार भाई से पूछताछ की तो पता चला है कि उनके ऊपर मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात व्यक्ति आए थे, उसमें से पीछे बैठे व्यक्ति ने उनके ऊपर फायर किया। हमने प्रकरण कायम कर लिया जांच। किधर से आरोपी आए थे का?